दिखाया जाता है कि प्लैनेट में से एक कॉन्टोनियम का टुकड़ा टूटकर पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में अंटार्कटिका में बैठी जेरी और उसके दोस्त को पता चल जाता है। उन्हें पता चलता है कि वो मेडेस्टो कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहा है। वो इसकी खबर जल्दी से सोल्जर्स को दे देते हैं और फिर सुजैन को दिखाया जाता है जहाँ वो टीवी पर अपने होने वाले पति का शो देख रही होती है, क्योंकि वो एक टीवी एंकर होता है। और आज इन दोनों की शादी होने वाली है और शादी के बाद सुजैन और डेरेक पेरिस जाने वाले हैं, इसलिए सुजैन बहुत खुश है। पर तभी डेरेक उसे बताता है कि हम पेरिस नहीं जा रहे हैं, हम फ्रेज़नो जा रहे हैं। ये बात सुनकर सुजैन परेशान हो जाती है, पर वो डेरेक से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अपने पेरिस जाने के सपने को छोड़कर फ्रेज़नो जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर डेरेक वहाँ से चला जाता है, पर तभी सुजैन को एक आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि उसकी तरफ कोई चीज बढ़ रही है और ये वही कॉन्टोनियम होता है जो आकर सुजैन के ऊपर गिर जाता है। और वहाँ सुजैन की मॉम उसे ढूंढ रही होती है और तभी उन्हें सुजैन दिख जाती है। बेचारी सुजैन पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ होती है। फिर उसकी मॉम उसे जल्दी से चर्च के अंदर ले जाती है और फिर सुजैन और डेरेक की शादी शुरू हो जाती है, जहाँ डेरेक सुजैन से कहता है कि सुजैन तुम ग्रीन हो रही हो। और तभी सुजैन बढ़ने लगती है, उसका आकार एकदम से बड़ा हो जाता है। सब लोग डर के चर्च से बाहर भाग जाते हैं। बेचारी सुजैन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। और तभी उसे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे सुजैन नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे बांध देते हैं। और जब बेचारी सुजैन को होश आता है तो वो खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाती है। सुजैन ये देखकर बहुत घबरा जाती है। उसके बाद उसे एक बड़े से कमरे में लाया जाता है जहां उसके लिए खाना दिया जाता है, पर तभी वहां एक अजीब सा कॉकरोच आ जाता है। सुजैन उसे देखकर डर जाती है और वो उसे मारने लगती है। और तभी वहां एक और जैली जैसा दिखने वाला जीव आ जाता है। उन दोनों को बोलता देखकर सुजैन के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक और अजीब सी चीज आ जाती है। ये सब एक तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। सुजैन तो उन्हें देखकर हक्की बक्की रह जाती है। बेचारी सुजैन को लगता है कि ये सब सच नहीं है, ये सब उसकी शादी की घबराहट की वजह से हो रहा है। और फिर क्या था, वहाँ एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर तो सुजैन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। और तभी वहाँ जनरल मॉन्गर आ जाता है, जो सभी मॉन्स्टर्स को उनके केज में जाने को कहता है। और वो सुजैन को अपने साथ बाहर ले आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि आम इंसान मॉन्स्टर की हकीकत को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मॉन्स्टर्स को इस फैकल्टी में बंद करके रखा जाता है। जिस पर सुजैन कहती है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ कब तक रहूँगी। तब जनरल कहता है कि अब तो तुम हमेशा यही रहोगी। और फिर वो उसे दूसरे मॉन्स्टर से मिलवाता है, जो बेचारे अपने अपने रूम्स में बंद होते हैं। और वो सुजैन को भी वैसे ही एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिससे बेचारी सुजैन बहुत उदास हो जाती है। वहीं अब प्लैनेट में एक यूएफओ को दिखाया जाता है, जिसमें एक अजीब सा एलियन होता है, जहां उसे पता चलता है कि कॉन्टोनियम पृथ्वी पर है। वो उसे अपने पास लाने के लिए अपने एलियन रोबोट को पृथ्वी पर भेजता है, क्योंकि कॉन्टोनियम बहुत शक्तिशाली है और वो एलियन उसे पाना चाहता है। और फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट उस रोबोट से मिलने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बातचीत से मामला निपटाया जा सकता है। वो रोबोट के पास आ जाते हैं, पर वो रोबोट उन पर हमला कर देता है। किसी तरह प्रेसिडेंट उससे बच जाते हैं और सोल्जर्स रोबोट पर हमला शुरू कर देते हैं, पर उनका गोला बारूद भी उस रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसके सामने तो मिसाइल्स भी फेल हो जाती है, जिस वजह से सब पीछे हट जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद एक स्पेशल मीटिंग रखी जाती है कि आखिर कैसे उस रोबोट को काबू किया जाए। सब अलग अलग सुझाव देने लगते हैं, जिससे प्रेसिडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी करो, पर उस रोबोट को रोको फटाफट। और तभी वहाँ जनरल मॉन्गर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि मेरे पास एक धांसू आइडिया है, हमारे रोजाना के हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सच में एक मुसीबत की घड़ी है, हमें जबरदस्त पावर चाहिए, इसलिए हमें चाहिए मॉन्स्टर्स। वो प्रेसिडेंट को अपने मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। वो उन्हें सभी मॉन्स्टर्स के बारे में एक एक करके दिखाता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट के भी होश उड़ जाते हैं
और प्रेसिडेंट जनरल को इस आइडिया को आगे बढ़ाने की परमिशन दे देता है। वहीं बेचारे प्यारे मॉन्स्टर्स अपने टाइम पास में लगे होते हैं, जहां वो कार्ड्स खेल रहे होते हैं, और वहीं कॉकरोच सुजैन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होता है। तभी दूसरे मॉन्स्टर्स कहते हैं कि तुम इसे खुद पर क्यों प्रयोग करने दे रही हो। तब सुजैन कहती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, शायद मैं इसके प्रयोग से फिर से ठीक हो जाऊं। पर बेचारे कॉकरोच के प्रयोग का सुजैन पर कोई असर नहीं होता। सुजैन कहती है कि कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करेंगे। जिस पर फिश मॉन्स्टर कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, यहाँ से कभी कोई बाहर नहीं जा सकता। पर तभी जनरल वहाँ आकर कहते हैं कि तुम सब बाहर जा रहे हो। वो उन्हें लेकर बाहर आ जाते हैं। जनरल उन्हें रोबोट से लड़ने को कहते हैं, जिसके बदले में वो उन्हें आजाद करने की बात करते हैं, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं और अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ सोल्जर्स पूरे शहर को खाली कर देते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। और फिर सुजैन और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ सुजैन इतने बड़े रोबोट को देखकर घबरा जाती है। वो अपने साथियों से कहती है कि मैं इससे लड़ नहीं सकती, जिस पर कॉकरोच कहता है कि तुम गलियों में छुप जाओ। और सुजैन वहाँ से चली जाती है और उसके साथी पूरे जोश में आगे बढ़ते हैं, पर वो भी उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। और वहाँ बेचारी सुजैन बिल्डिंग के पीछे छिपी होती है, पर तभी वहाँ वो रोबोट आ जाता है और उस रोबोट को पता चल जाता है कि कॉन्टोनियम सुजैन के पास है, जिसके बाद वो सुजैन पर हमला शुरू कर देता है। बेचारी सुजैन उससे बचकर यहाँ वहाँ भागने लगती है, पर वो रोबोट उसका पीछा नहीं छोड़ता। तब सुजैन गाड़ियों में अपने पैर फंसाकर तेजी से आगे बढ़ने लगती है और बहुत सारी गाड़ियों के बीच से होती हुई एक पुल पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे देखकर एक ट्रक वाला पलट जाता है और सारी गाड़ियाँ फंस जाती है। सुजैन उनकी मदद करने की कोशिश करती है, पर इतने में वो रोबोट वहाँ आ जाता है और वो पुल को तोड़ने लगता है। और तभी वहाँ सुजैन के साथी भी पहुँच जाते हैं, पर वो रोबोट सुजैन को पकड़ लेता है। लेकिन सुजैन बहुत ताकतवर होती है, वो उस रोबोट को रोक लेती है। उसके साथी भी उसे देखकर चौंक जाते हैं। सुजैन और जैली लोगों की जान भी बचाते हैं और फिर आखिरकार सुजैन उस रोबोट को नीचे गिराकर खत्म कर देती है और वो और उसके साथी बच जाते हैं। इस बात की खबर उस एलियन को भी मिल जाती है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो सोचती है कि वो मेरा कॉन्टोनियम चुरा लेगी और वो खुद पृथ्वी पर जाकर कॉन्टोनियम को वापस लाने की बात करता है। और वहाँ सुजैन अपनी बहादुरी से बहुत खुश होती है, उसके साथी भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। सुजैन उन सबसे कहती है कि तुम लोग बहुत स्वीट हो, मगर मेरी नॉर्मल लाइफ मेरा वेट कर रही है और डायरेक्ट मेरा इलाज जरूर करवाएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जिस पर उसके साथी भी डायरेक्ट से मिलने की बात करते हैं। और फिर जनरल सुजैन को उसके शहर में छोड़ देते हैं, जहां उसके साथ उसके साथी भी आते हैं। वहां सुजैन अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होती है। सुजैन उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाती है, उसकी दोस्त भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। सुजैन कहती है कि डायरेक्ट कहाँ है, तब उसके मॉम डैड कहते हैं कि वो तो ऑफिस में है, जिस पर सुजैन उसके पास जाने के लिए निकल पड़ती है और उसके दोस्त शाम को रखी पार्टी के पूरे मजे लेते हैं। पर उनकी उल्टी पुल्टी हरकतें यहाँ पर भी शुरू हो जाती है, जिसे सब घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ सुजैन डायरेक्ट के पास पहुँच जाती है, वो डायरेक्ट को ऑफिस से बाहर ले आती है। बेचारी सुजैन डायरेक्ट से मिलकर बहुत खुश होती है। वो डायरेक्ट से कहती है कि मुझे यकीन है कि अगर हम साथ में कोशिश करें तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। पर डायरेक्ट उससे कहता है कि सुजैन मेरी बात समझो, मैं एक टीवी एंकर हूँ और मैं लोगों का दिल बहलाता हूँ, पर तुम चाहती हो कि मैं वो सब छोड़कर तुम्हारा बिगड़ा हुआ हुलिया सुधारूं। तब सुजैन कहती है कि हाँ, मैं ये चाहती हूँ। वो जिंदगी भर साथ निभाने के वादों का क्या हुआ, डायरेक्ट प्लीज ऐसा मत करो। पर डायरेक्ट कहता है कि माफ करना, पर अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। इससे सुजैन टूट जाती है, वो बहुत उदास हो जाती है और वो बहुत रोती है। पर तभी वहाँ उसके साथी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम पृथ्वी के जाए किसी भी शहर को बचा ले, पर ये इंसान हमारे साथ वैसे ही पेश आएगी जैसे एक मॉन्स्टर के साथ आते हैं। तब सुजैन कहती है कि सही कहा, वो डायरेक्ट भी मतलबी और खुदगर्ज निकला, वो सिर्फ अपनी ही सोचता है। मैं उसके बगैर ही ठीक हूँ, उसके बगैर मैंने एक एलियन रोबोट को हराया, तुम लोगों से मिली,
वो कहती है कि तुम सब कमाल के हो, पर तभी वहाँ एलियन पहुँच जाता है और वो सुजैन को अपने यूएफओ में ले जाने लगता है, जिसे बचाने के लिए उसका बड़ा साथी उसे पकड़ लेता है, पर एलियन उस पर हमला कर देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और वहाँ उस एलियन ने सुजैन को कैद किया होता है, पर सुजैन बहुत पावरफुल होती है, वो उस कैद को तोड़ देती है और एलियन को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी वो एलियन उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उससे क्वांटोनियम की पावर को बाहर निकाल देता है, जिससे बेचारी सुजैन फिर से छोटी हो जाती है। एलियन उससे कहता है कि अब मैं पृथ्वी पर अपनी सभ्यता स्थापित करूंगा, मैंने तो अपने प्लैनेट को भी तबाह कर दिया और अब तुम्हारे प्लैनेट की बारी है। और फिर वो क्लोनिंग मशीन शुरू कर देता है, जिससे उसके अनगिनत क्लोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो अपने यूएफओ से पृथ्वी के लोगों को चेतावनी देता है कि अब तुम सब मरने वाले हो, जिससे हर जगह पर भगदड़ मच जाती है और वहाँ बेचारे सुजैन के साथ ही बहुत उदास होते हैं। पर तभी मछली मॉन्स्टर कहता है कि हम यूएफओ में जाकर सुजैन को बचाएंगे और वो जनरल के साथ यूएफओ के पास पहुंच जाते हैं। जनरल कहता है कि तुम उस एलियन का खात्मा करो, मैं तुम्हें लेने बिग मॉन्स्टर के साथ आऊंगा। और फिर वो अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो चुपके से यूएफओ के अंदर घुस जाते हैं और क्लोन्स के बीच एलियन क्लोन बनकर सुजैन के पास पहुँच जाते हैं और वो बेवकूफ क्लोन्स उन्हें पहचान नहीं पाते। सुजैन उनसे मिलकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद कॉकरोच कहता है कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए इस स्पेसशिप को उड़ाना होगा, पर इस बीच वो गलती से एक क्लोन को मार डालता है, जिस वजह से उनका सच सबके सामने आ जाता है। एलियन सब क्लोन्स को उन्हें मारने का आदेश देता है, पर वो सब किसी तरह उन सब का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कॉकरोच अपने तेज दिमाग से यूएफओ के सारे सिस्टम फेल कर देता है। पर अब उन्हें वहाँ से बाहर निकलना होता है, पर सुजैन के अलावा उसके दोस्त वहीं फंस जाते हैं। सुजैन उन्हें बचाने के लिए एलियन के पास आ जाती है और एलियन की बैंड बजा देती है। वो क्वांटोनियम को फिर से एक बार अपने सिर पर गिरा देती है, जिससे वो एक बार फिर से एक बहुत शक्तिशाली और बड़ी बन जाती है और आखिरकार वो अपने दोस्तों को बचा लेती है। पर वो सब अभी भी खतरे में होते हैं, क्योंकि वो यूएफओ कभी भी फट सकता है। पर तभी वहाँ जनरल उनके बड़े मॉन्स्टर साथी को लेकर उन्हें बचाने पहुँच जाता है और वो एलियन अपने ही यूएफओ में मारा जाता है और हमारे प्यारे मॉन्स्टर्स वापिस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ आज सभी लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं। पर तभी वहाँ डेरेक आ जाता है, वो सुजैन को पटाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उसका इंटरव्यू चाहिए था ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए, पर आज सुजैन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती और वो उसे अपनी जिंदगी से आउट कर देती है और अब वो सब सुपर मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।